यार जब भी मैं स्टॉक सेल करने जाता हूँ तो बार बार मुझे टीपिन पूछता है, टीपिन डालो, फिर ओटीपी डालो, फिर उसके बाद मुझे स्टॉक सेल करने को मिलता है। इतना टाइम चला जाता है कि स्टॉक की प्राइस ही ऊपर बढ़ जाती है या स्टॉक की प्राइस नीचे चली जाती है। यार ये बार बार टीपिन डाल के मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो क्या आप भी बार बार टीपिन डाल के परेशान हो चुके? जब भी आप किसी स्टॉक को सेल करने जाते हैं तो आपको बार बार टीपिन पूछता है, तो ये टीपिंग प्रोसेस को कैसे आपको हटाना है? डायरेक्टली आप किसी भी स्टॉक को सेल कर पाओगे आज के बाद, इस वीडियो के बाद? अगर आपने किसी भी स्टॉक को सेल किया तो आप डायरेक्टली सेल कर पाओगे विदाउट एनी टीपिंग। तो आज मैं आपको बताने लूँगा स्टेप बाय स्टेप। एंजल वन ऐप पे अगर आपका डीमेट अकाउंट है, अगर आपने एंजल वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय करके रखा है और आपको बार बार टीपिन पूछ रहा है किसी भी स्टॉक को सेल करने के लिए, तो इस टीपिन को हम कैसे हटा सकते हैं, डायरेक्टली आप किसी भी स्टॉक को सेल कर पाओगे, ये वन टाइम प्रोसेस है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको सिंपल प्रोसेस करके रखना है अपने एंजल वन डीमेट अकाउंट पर, ताकि आपको बार बार ये टीपिन पूछे ना। डायरेक्टली आपने सेल बटन दबा दिया तो वो स्टॉक सेल हो जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं ये स्टॉक को सेल करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सेल करते रहे मुझे टीपिन पूछ रहा है। अब मैं डायरेक्टली आपको प्रोसेस बताता हूँ ये टीपिन को कैसे हटाना है। तो सबसे पहले आपको अपना एंजल वन अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपको सबसे पहले तो अपने नीचे आप देखोगे तो अकाउंट का ऑप्शन है, आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको आपके प्रोफाइल पर चले जाना है, ठीक है। जो भी आपका नाम होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके ऐप में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो सबसे पहले आप अपनी एंजल वन ऐप को अपडेट कर ले, उसके बाद ही आपको ये ऐसा न्यू ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपके प्रोफाइल में आपको चले जाना है। जैसे आप प्रोफाइल पे जाओगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा व्यू ऑल कैटेगरी का, आपको व्यू ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू ऑल कैटेगरीज पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने नॉमिनी DDPI स्टेटस MTF DIS बुक ये चार ऑप्शन आते हैं। ऑलरेडी मैंने हाउ टू ऐड नॉमिनी इन योर डीमेट अकाउंट इसका वीडियो बना के रखा है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं करके रखा है तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। मेरे चैनल पे आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है नॉमिनी को ऐड करना अपने डीमेट अकाउंट में। अब आपको जाना कहाँ है, या आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है DDPI स्टेटस। अगर आपका ये DDPI स्टेटस इनएक्टिव होगा, मतलब डेप्ट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन, जब कभी भी आप अपने स्टॉक को सेल करने जाओगे तो ये डायरेक्टली आप विदाउट टीपिन सेल कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको एक्टिव करना पड़ेगा DDPI स्टेटस। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक्टिव स्टेटस का जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे पढ़ सकते हो आप एक्टिवेट DDPI टू अवॉइड टीपिन, डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन, सिंप्लीफाई स्टॉक ट्रांसफर, नो हैशलेस टू गिव टीपिन एवरी टाइम यू सेल डिलीवरी स्टॉक और प्लेस डिलीवरी GTT ऑर्डर। अब यहाँ पे आपने अगर DDPI स्टेटस को एक्टिव कर लिया है तो आपको बार बार टीपिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस सेगमेंट को एक्टिव कर लेते हम। आपको सिंपली क्लिक करना है प्रोसीड टू ई साइन, ठीक है। प्रोसीड टू ई साइन पर आपको क्लिक करना है। तो प्रोसीड टू ई साइन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके आधार नंबर की। सिंपली आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए, आपको आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। मैं अपना आधार नंबर टाइप कर देता हूँ और आपको क्या कर देना है, सेंड OTP। आपको ई साइन में आपका आधार नंबर लगेगा, आपके आधार नंबर डालते ही आपको एक सेंड OTP करना है। आपके मोबाइल नंबर पर, आधार नंबर पर, जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP आएगा। तो यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो रिक्वेस्ट रिसीव एक्टिवेशन नंबर EM13, ये आपका एक्टिवेशन नंबर जाएगा। DDPI एक्टिवेशन में टेक अप टू 2 working days, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर आपका DDPI एक्टिवेशन हो जाएगा विदिन अ 2 days, मिनिमम 24 आवर्स तो लगते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपका ये DDPI स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ये स्टेटस एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक्टिव स्टेटस दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव स्टेटस। और एक बार ये स्टेटस एक्टिव हो जाए तो सिंपली आप किसी भी स्टॉक को सेल कर पाओगे, ठीक है। सिंपली आपको पोर्टफोलियो पे जाना है, आपको जो भी स्टॉक को सेल करना है सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है, सेल पे क्लिक करना है। आपके पास जितने भी क्वांटिटी आपको सेल करना है, जैसे कि मुझे एक क्वांटिटी सेल करना है, ठीक है, 415 रुपये, 715 रुपये पे, और मैं इसको सेल पे क्लिक करता हूँ, सेल और कन्फर्म। और यहाँ पर अभी मार्केट क्लोज है तो मैं इसको यस कर देता हूँ। AMO ऑर्डर आप देख सकते हो, मेरा ऑर्डर अब यहाँ पर पेंडिंग में चला गया। तो ईजिली आप किसी भी स्टॉक को आप सेल कर पाओगे विदाउट टीपिन, ठीक है। जैसे आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके अकाउंट में, जहां पे आपको स्टेटस दिखेगा एक्टिव DDPI स्टेटस।
ठीक है। जैसे ये एक्टिव हो जाएगा DDPI स्टेटस, इस उसके बाद आप विदाउट टी पिन अपने स्टॉक को सेल कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, शायद आप ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आई होप कि आपको हेल्प हो चुकी होगी कि कैसे ये विदाउट टी पिन आप किसी भी स्टॉक को सेल कर पाओगे। अब मैंने आपको DDPI स्टेटस को एक्टिव करना सिखा दिया, जल्द से जल्दी आप अपने डीमैट अकाउंट में ये स्टेटस को एक्टिव कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए स्टॉक को सेल करने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो हेल्पफुल रहा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर टाइप करिए, और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइए मत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल।